हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे गियर पंप की डिजाइन के बारे में। ठीक है, शुरू करने से पहले ना यार एक काम करो, ये जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, इस पर आप टॉर्शन लगा लो, शेयर लगा लो या बेंडिंग मोमेंट लगा लो, बस क्लिक कर दो यार इसको। क्या जब भी आप लोग इसको क्लिक करते हो ना, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियोज बनाने के लिए। शुरू करते हैं गियर पंप की डिजाइन में। वो हमको बताता है कि जो फ्लूइड है उसका ग्रेड क्या है, उसके बाद में जो डिस्चार्ज प्रेशर है वो हमको दिया हुआ होता है, जो फ्लूइड है उसका डिस्चार्ज कितना होना चाहिए वो भी दिया हुआ होता है क्वेश्चन में। और फिर पूछता क्या है क्वेश्चन में, वो बोलता है कि डिजाइन शुड इंक्लूड डिजाइन ऑफ गियर, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ केसिंग, बोल्ट्स एंड सिलेक्ट अ सूटेबल मोटर टू ड्राइव द गियर पंप। ठीक है, तो हमने डेटा लिख लिया कि ये सही 20 का ग्रेड है, डिस्चार्ज हमारा 50 लीटर पर मिनट का है, इसको मैंने कन्वर्ट करके लिख दिया मीटर क्यूब पर सेकंड में। आउटपुट प्रेशर दिया हुआ है 30 बार का, इसको कन्वर्ट कर दिया न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। ठीक है, अब आते हैं मोटर सिलेक्शन के ऊपर। अब बहुत सिंपल है, मोटर पावर इज इक्वल टू आपका फ्लूइड पावर डिवाइडेड बाय ओवरऑल एफिशिएंसी। फ्लूइड पावर क्या है, ओमेगा क्यू एच, या बोल सकते हो रो जी क्यू एच। ठीक है, अब ये ओमेगा और एच इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दे तो आपको मिलता है प्रेशर। ठीक है, एच क्या है, हेड, ओमेगा क्या है, डेंसिटी इंटू ग्रेविटी। तो प्रेशर तो दिया हुआ है 30 बार वाला। ठीक है, क्यू क्या है, आपका डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज मैंने निकाल लिया, डिस्चार्ज को मैंने रखा मीटर क्यूब पर सेकेंड में, और प्रेशर को मैंने डाला है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि ये मीटर क्यूब है तो यहाँ पे मेरे को मीटर स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसको मैं एमएम स्क्वायर में नहीं ले सकता। ठीक है, और जो ओवरऑल एफिशिएंसी है, हमेशा एज्यूम कर लो कि ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम इज 80% या 75%। ठीक है, 90-100% एज्यूम मत करना। ठीक है, अब मोटर पावर मेरे को मिल गया कि कितना का पावर होगा मोटर का, 3.332 kW। अब एग्जैक्टली इतना पावर का मोटर तो नहीं मिलेगा, तो एक काम करो पीएचजी में जाओ, पीएचजी निकालो, पीएचजी में 5.124 पेज पर जाओ, वहां पे आप एक थ्री फेज इंडक्शन मोटर चूज कर लो। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होगा वो आपका 3.7 kW का होगा, तो वो ले लो। 3.7 kW ज़्यादा ही है इससे, तो ये तो ले ही लेगा मोटर, लोड उतना ले लेगा, तो वो ले लो। अब ये मोटर जो है ये 3 RPM में अवेलेबल है, 960, 1400, 2800। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करो, अब आपने तो पावर तो ये ले लिया 3.7 kW वाला, तो इसके हिसाब से जो डिस्चार्ज है वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि पावर बढ़ गया ना यहाँ पे, ये पावर बढ़ गया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफाइड डिस्चार्ज निकाल लेंगे। ये कैसे निकालेंगे, मोटर पावर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। ठीक है, पी क्या लिया, प्रेशर इंटू डिस्चार्ज। प्रेशर मालूम है, डिस्चार्ज मालूम है, डिस्चार्ज नहीं मालूम है, डिस्चार्ज में ढूंढ रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो हमें को मॉडिफाइड डिस्चार्ज जो आ रहा है ये इतना आ रहा है, तो ये ज़्यादा ही है रिक्वायर्ड से, तो दैट इज मीन्स लाइक माई सिस्टम इज ओके। अब आगे बढ़ते हैं गियर डिज़ाइन की तरफ। तो जो गियर डिजाइन करना है ना, उसमें देखो क्या करना है, पहले तो टाइप ऑफ गियर, स्पर गियर और गियर होगा या हेलिकल गियर होगा। अगर स्पर चूज करते हो तो वो उसके लिए क्राइटेरिया देना पड़ेगा, कुछ तो रीजन होगा ना चूज करने के पीछे। तो देखो, स्पर गियर आप तब चूज करते हो जब आपको कॉस्ट कटिंग करना हो या कॉस्ट कम रखना है। हेलिकल गियर आप तब यूज करते हो जब आपको कॉम्पैक्टनेस चाहिए किसी भी चीज के अंदर। अगर आपको कॉम्पैक्टनेस चाहिए तो हेलिकल गियर चूज कर लो, अगर आपको कॉस्ट कटिंग चाहिए तो स्पर गियर चूज कर लो। अभी यहाँ पे मैंने स्पर गियर चूज किया हुआ है ये डिजाइन के लिए, क्यों, क्योंकि कॉस्ट कटिंग, ठीक है, लो कॉस्ट में बन जाएगा। अब नंबर ऑफ टीथ जो है ना, अब देखो नंबर ऑफ टीथ जो है ये होना चाहिए 12 से 16 के बीच में फॉर करेक्टेड गियर्स। ठीक है, तो 12 से 16 के बीच में मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ, 14 टीथ रख देता हूँ दोनों गियर के ऊपर, तो Z1 Z2 14 टीथ हो गया। अब इसमें दोनों के इसमें ना टीथ का नंबर चेंज नहीं होगा, दोनों सेम ही रहेंगे, क्योंकि मैं पावर ट्रांसमिट नहीं करना, मेरे को बस जो ऑयल है उसको कंप्रेस करना है दांतों के बीच में, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ टीथ सेम रख रहा हूँ। अब गियर मटेरियल के ऊपर आ जाते हैं। अब गियर मटेरियल में क्या होगा, हम चूज कर लेंगे अलॉय स्टील। अलॉय स्टील को क्यों चूज किया है, क्योंकि कोरोजन रेजिस्टेंस होना चाहिए, जितना ज्यादा कोरोजन रेजिस्टेंस होगा मटेरियल के अंदर उतना ज्यादा उसका लाइफ होगा। ठीक है, एक काम करो पीएचजी 8.5 पे आ जाओ। आ गए, अब इसमें देखो ये वाला एक मटेरियल होगा 40 Ni2 Cr1 Mo28। ठीक है,
अब इसके लिए क्या है, जो सिग्मा बी है, बेंडिंग स्ट्रेस, अलाउेबल बेंडिंग स्ट्रेस, ये कितना आ रहा है, 380 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा सी ये क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस, ये मेरे को इतना दिया हुआ है। ठीक है, ये जो मटेरियल है ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, ठीक है, टिकेगा अच्छा खासा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमको डिसाइड करना है कि गियर का मॉड्यूल क्या होगा। ठीक है, मॉड्यूल के ऊपर से हम फाइनलाइज कर देंगे मोटर का स्पीड कितना होगा। ठीक है, अब हमको मॉड्यूल चाहिए। ठीक है, अब ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या है, नीटा वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है, दैट इज नथिंग बट एक्चुअल डिस्चार्ज अपॉन थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। एक्चुअल डिस्चार्ज जो है ये 9.25 × 10⁻⁴। ये कहाँ से आया, ये मैंने यहाँ पे निकाला था ना पहले, मॉडिफाइड डिस्चार्ज यहाँ से आ गया। ठीक है, अब जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है ये क्या है, ये 2 पाई एम स्क्वायर बी जेड एन अपॉन 60। ये कैसे आया, देखो अब ये एन अपॉन 60 क्या है, ये पर मिनट आरपीएम डिवाइड कर दिया 60 से, तो आरपीएस हो गया, पर सेकंड आ गया। और ये जो जेड है, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ्स है। ये जो बी है, बी क्या है, बी आपका फेस का विड्थ है। अब मैं वो दिखाऊंगा, तो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको हम बोल रहे हैं बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका बी, और ये पाई एम स्क्वायर। ये जो एरिया है ना, ये वाला सामने की तरफ, अगर इसको मैं दिखाऊंगा ड्राइंग में, तो ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं पाई एम स्क्वायर। ये 2 टाइम्स क्यों हो गया, क्योंकि दोनों गियर है, और दोनों गियर के टूथ स्पेस में जो ऑयल होगा वो ट्रैप होगा, और वही मैं डिस्चार्ज करने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला बनता है। और जो बी है, बी जो है मैंने बताया, ये जो है इसको हम बी बोलते हैं। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, साई एम इंटू मॉड्यूल। ठीक है, जेड क्या है, नंबर ऑफ टीथ मैंने डिसाइड कर किया था, नंबर ऑफ टीथ कितना होगा, 14 होगा। ठीक है, अब 14 एन मेरे को पता नहीं है, एन मेरे को ढूंढना है। आरपीएम, आरपीएम में मेरे को पता है कि सिर्फ तीन टाइप के आरपीएम है, 960, 1440 और 2880। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है ये हमेशा 90% के आसपास ही आएगा, 90, 95, एट द मोस्ट 98। 100% वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो लीकेज हो गए। ठीक है, तो इसमें हमने कंसिडर किया कि 10% का लीकेज हो रहा है। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूले के ऊपर से इसको मैंने कम करके मैंने इस पे ले आया मैं। ये क्या है, मीटर क्यूब इंटू एन इज इक्वल टू 7.01 × 10⁻⁵। एन क्या है, आरपीएम है। ठीक है, ये मैंने एन 960 डाला यहाँ पे, तो मेरे को एम का कुछ वैल्यू मिलेगा। एम क्या है, एम मीटर में है, और एम जो है ये है मेरा मॉड्यूल। ठीक है, तो कैलकुलेटर मॉड्यूल मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मैंने अब ये एम में ना, ये जो एन है, एन की जगह पे मैंने डाला 960, तो मेरे को एक एम का वैल्यू मिलेगा। सपोज ये मिल गया 4.18, मैंने 1440 डाला तो मेरे को 3.665 मिला, 2880 डाला तो मेरे को 2.89 मिला। ठीक है, अब ये है मेरा स्टैंडर्ड मॉड्यूल 4, 3.75 और ये वाला। ठीक है, अब जो स्टैंडर्ड मॉड्यूल है और जो कैलकुलेटर मॉड्यूल है, इसमें जो वेरिएशन आ रहा है ना वो मैं निकाल रहा हूँ। वेरिएशन फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, और जो सबसे कम वेरिएशन देगा मेरे को वो चूज करना है। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, थोड़ा सा डिस्चार्ज डिस्चार्ज में फर्क पड़ जाएगा, प्रेशर में फर्क पड़ जाएगा, तो इसमें इसलिए जो सबसे कम वेरिएशन देगा मैं वो चूज करूंगा। तो हेन सिलेक्टिंग द मॉड्यूल ऑफ 3.75 टू हैव लीस्ट वेरिएशन इन डिस्चार्ज एंड आरपीएम। ठीक है, तो इसलिए मैंने आरपीएम चूज कर लिया 1440। ठीक है, अब ये 1440 के हिसाब से जो डिस्चार्ज आ रहा है वो मैं कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो अब डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, 2 पाई एम स्क्वायर बी जेड एन अपॉन 60 इंटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो मेरे को डिस्चार्ज मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब क्या है, मैंने मॉड्यूल डिजाइन कर दिया गियर में। तो जब मॉड्यूल फिक्स कर देता हूँ मैं, तो पूरा का पूरा गियर का डिजाइन खत्म हो जाता है वहां पे, क्योंकि
जब मॉड्यूल मालूम पड़ गया तो सारे डायमेंशंस में निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब जब मैंने मॉड्यूल को फाइनलाइज कर दिया तो मेरे को अभी क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो मॉड्यूल लिया है, सो विल इट सेटिस्फाई द बेंडिंग लोड्स, विल इट बी एबल टू सस्टेन द क्रशिंग लोड एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसलिए मैं चेक करूंगा इसको इन बेंडिंग। तो क्या करो, पीएजी में 8.13 ए में जाओ, वहां पे क्या करो, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आए क्या है, रिडक्शन रेशियो। अभी मैं कुछ स्पीड को वेरी नहीं करना चाहता इसमें, इसमें बस पंप कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए आए क्या है, वन है। एम टी क्या है, एम टी यहाँ पे ले लिया मैंने, एम टी इंटू के डी के होता है, ठीक है। ये क्या है, ये अलाउेबल है शायद, ये अलाउेबल है। और ये जो एम टी है ना, एम टी क्या है आपका, टॉर्क है, टॉर्क, ठीक है। तो के डी के का वैल्यू कितना है, 1.3 एज पर पी ए जी 8.15। पावर जो है ना, अब देखो पावर जो आप सप्लाई कर रहे हो एक गियर को घुमाने के लिए, तो वही पावर दोनों गियर में शेयर हो रहा है। इसमें हम लोग पावर ट्रांसफर नहीं कर रहे, एक गियर से दूसरा गियर को घुमा रहे हैं, और ये दोनों गियर साथ में घूम कर जो ऑयल उसको क्या बोल रहे, पंप कर रहे हैं। तो इसलिए जो पावर है वो दोनों गियर के बीच में शेयर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पावर को डिवाइड बाय टू कर देंगे, क्योंकि तो दो गियर है। और यहाँ से हम लोग एम टी का वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर ये एम टी को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 के साथ में, और ये जो अलाउेबल एम टी है ये हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो वाई है, वाई क्या है, कुछ लैमिस फैक्टर बोलते हैं हम इसको, तो कैपिटल वाई है ये वाला। पीएसी में थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वहाँ पे स्मॉल वाई दिया हुआ है, स्मॉल वाई नहीं कैपिटल वाई है, ठीक है। कैपिटल वाई को हमने लिया पाई इंटू स्मॉल वाई, स्मॉल वाई का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी पीएसी में दिया हुआ है, थोड़ा सा ढूंढ लोगे आगे पीछे तो मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ये जेड वन हमको पता है, 14 नंबर ऑफ टीथ है उस पर। अब आते हैं बी पे, बी क्या है आपका, साई एम इंटू मॉड्यूल, मॉड्यूल हमने फिक्स किया है, मॉड्यूल हमको पता है 3.75। ए जो है, ए क्या है, स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, ये भी हमको पता है, ये भी यहाँ से मिल जाएगा पीएजी से, ठीक है। तो इसके ऊपर से हमें जो सिग्मा बी जो मिल रहा है ना, ये मिल जाएगा। तो सिग्मा बी कितना आ रहा है, इंड्यूस्ड सिग्मा बी कितना है, 15.48 है, और जो अलाउेबल सिग्मा बी था वो कितना था, ये देखो यहाँ पे 380 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर अलाउेबल है, आ कितना रहा है, सिर्फ 15 तो आ रहा है, उसमें क्या है, कुछ नहीं। तो ये बेंडिंग तो सस्टेन कर लेगा। अब चेक कर लेते हैं हम इसको इन टर्म्स ऑफ वियर, ठीक है। तो जब वियर में चेक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या है, ई इक्विवेलेंट, यंग्स मॉडुलस इक्विवेलेंट, ये जो है ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप पकड़ लो इसमें, ठीक है। 3.2.15 × 10^5, एम टी मैंने पहले यहाँ पे निकाला हुआ था तो वही ले लूंगा। ए तो मेरे को पता है, बी भी पता है, मेरे को सब पता है, इसमें वैल्यू सिग्मा सी मिल जाएगा। सिग्मा सी क्या, क्रशिंग स्ट्रेस, क्रशिंग स्ट्रेस कितना आ रहा है मेरे को, 381.24। अलाउेबल कितना था, अलाउेबल शायद 1000 में था, 1100, आ कितना रहा है, 380, तो सेंड तो कर लेगा, ठीक है। तो क्रशिंग में भी ये सस्टेन हो रहा है। सो दस ये जो मॉड्यूल मैं चूज किया है 3.75, दिस इज परफेक्ट एंड दिस कैन सस्टेन द लोड्स। अब आते हैं टूथ के प्रपोर्शंस पे, अब निकालेंगे पीसीडी, एडेंडम डायमीटर, डिडेंडम डायमीटर, ये सब आपको पीएचजी 8.22 पे दिया हुआ है। थोड़ा सा नोटेशन में चेंज होगा, एडेंडम को थोड़ा सा कुछ अलग से नाम दिया होगा, डिडेंडम के लिए कुछ तो डी एफ दिया हुआ है शायद, चेक कर लो एक बार, ठीक है। फेस विड्थ ये होता है, ठीक है। याद रखो साई एम जो है ना, इसको हम लोग 10 पकड़ लेते हैं, ये भी दिया हुआ है पीएजी में, कुछ नहीं करना, बस टूथ के प्रोपोर्शंस आ गए, तो यहाँ पे आपका गियर का डिजाइन खत्म हो गया, गियर डिजाइन हो गया, मोटर सेट हो गया, आ गए आपका 50% मार्क्स तो यहाँ पे आ गए। अब आगे बढ़ते हैं डिजाइन ऑफ शाफ्ट पे। अब शाफ्ट में क्या है ना, जो ड्राइविंग गियर है, ड्राइविंग और ड्रिवर, ये है आपका ड्राइवर, ये है आपका ड्रिवर। ड्राइवर जो है ये ऐसे घूम रहा है, समझ रहे हो, ड्राइवर ऐसे घूम रहा है, तो इसमें क्या है, एक रेडियल फोर्स आ रहा है यहाँ पे, और एक जो है यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर भी फ्लो होगा, तो एक एक हाइड्रोलिक फोर्स ऐसे आ रहा है, जो मैंने यहाँ पे देखा, हाइड्रोलिक फोर्स ऐसे आ रहा है, और इसको घूमना ऐसे है बराबर, तो जो टेंजेंशियल फोर्स है वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, फॉर ड्राइवर। तो ड्राइवर में क्या हो रहा है, ये जो
एफ एच है और एफ टी है, ये लोग एक दूसरे को थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ठीक है। और जो ड्रिवन है, जो ड्रिवन गियर है, ड्रिवन गियर में क्या हो रहा है, रेडियल फोर्स तो नीचे में आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोलिक फोर्स भी यहाँ जा रहा है, और जो एफ टी है टॉर्क का जो फोर्स है वो भी यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो हाइड्रोलिक फोर्स है और जो टॉर्क है दोनों एक साथ एड अप हो रहे हैं यहाँ पे, तो डेफिनेटली लोड ज्यादा किस पे है, ड्रिवन ड्रिवन गियर पे है। तो अगर मैं ड्रिवन गियर के शाफ्ट को डिजाइन कर लेता हूँ, सेम शाफ्ट में ड्राइवर के लिए ले लेता हूँ, तो दोनों भी सस्टेन कर पाएंगे एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि ड्रिवन पे लोड ज्यादा है, ठीक है। और वही शाफ्ट में अगर ड्राइवर पे लगा दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फ्रॉम अबाउट इट इज क्लियर दैट द ड्रिवन गियर इज हैविंग मोर लोड, ठीक है। सो हेंस आई विल डिजाइन द ड्रिवन शाफ्ट एंड सेम विल बी यूज फॉर ड्राइवर शाफ्ट। अब आते हैं कैलकुलेशन की तरफ। अब ये कैलकुलेट करना है हमको एफ एच एफ टी एफ आर। एफ एच हाइड्रोलिक फोर्स जो है, हॉरिजॉन्टल जो फोर्स आ रहा है, ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये हो गया आपका 1.635 इंटू बी इंटू पी टेस्ट इंटू डी ए बाई 2। ये फॉर्मूला को भी रट लो, ठीक है। ये मैंने एक रेफरेंस बुक से निकाला हुआ है कि आपको हाइड्रोलिक फोर्स कितना आता है, ठीक है। ये पी टेस्ट जो होता है ना, ये हमेशा 1.5 टाइम्स होता है ऑपरेटिंग प्रेशर का। ये जो डी है, डी ए क्या है आपका, एडेंडम डायमीटर, बी क्या है फेस विड्थ। तो इसके हिसाब से मेरे को एफ एच मिल गया, एफ टी, ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है पीएचडी में, ठीक है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एफ टी पता है आपको, एम टी इज इक्वल टू ये वाला, ठीक है, ये टी आ गया। एफ आर क्या है, ये रेडियल फोर्स है, ये भी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, वहां से आप ये एफ आर निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, ये जो एफ आर है ना, एफ आर के जो फॉर्मूला है वो आपको पीएचडी 8.50 पे मिल जाएगा। 8.50 में जो स्पर गियर लिखा है ना, उसके जस्ट एफ ए करके लिखा होगा फोर्स, एफ ए। तो ये फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बी अलाउेबल इंटू फेस विड्थ अपॉन फेस विड्थ इज इक्वल फेस विड्थ इंटू वाई अपॉन पी डी, ठीक है। ये आप जाओगे वहां पे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं कैलकुलेटिंग द रिजल्टेंट फोर्स। अभी क्या है, तीन चार फोर्सेस है, एक काम करें, इसको सिंपल में एक फोर्स बना देते हैं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एफ टी प्लस एफ एच का स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर। अब ये कैसे आया, क्योंकि एफ टी और एफ एच एक ही डायरेक्शन में, एफ आर अलग डायरेक्शन में, इनका रिजल्टेंट में बना दूंगा, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बनाया है रिजल्टेंट मैंने, रिजल्टेंट निकल गया यहाँ से। अब देखो ये जो शाफ्ट है, एक ऐसा शाफ्ट है, ये जो येल्लो मार्क किया, ये क्या है मेरा, ये बेरिंग है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एफ आर डाला है, ठीक है, ये मेरा फेस विड्थ है बी। यहाँ पे जो क्लियरेंस दिया है ये है 0.5 टाइम्स ऑफ बी, ठीक है, फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ शाफ्ट। इससे ज्यादा डिफ्लेक्शन, इससे ज्यादा क्लियरेंस नहीं दूंगा तो क्या होगा, शाफ्ट में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। टोटल लेंथ हो गया 2b। अब इसके ऊपर से मैं क्या निकालूंगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, इसका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। अब ये कैसे आता है, इसमें सॉम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो छोड़ दो। अब ये इसको रट लो यार, कि डब्ल्यू एल अपॉन फोर, डब्ल्यू क्या है, ये है आपका अपॉन इंटू, ये हो गया, ये क्या है 2bL अपॉन 4। तो ये आपको वैल्यू आ गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना, इतना आ गया। ये आ गया आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इंटू KB, ये आ गया आपका MT, MT क्या है टॉर्क इंटू, ये आ गया, ठीक है। अब इसके ऊपर से मैंने एक TE निकाल लिया, TE मेरा ये आ गया, रिजल्टेंट है ये वाला इन दोनों का, ये आ गया। अब इसके ऊपर से मैं क्या करूंगा, शाफ्ट को डिजाइन कर लेंगे। डिजाइन के लिए क्या करेंगे, TE इज इक्वल टू पाई बाय 16 अलाउेबल शियर स्ट्रेस इंटू D³, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे, शाफ्ट का जो मटेरियल है ये एज्यूम कर लेंगे कि ये जो मटेरियल है ये वाला, ये मटेरियल 40 Ni2 Cr1 Mo28, ठीक है, ये एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका σyt इतना है, σut इतना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम डिजाइन कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब इन दोनों में से जो भी छोटा आता है, जो ये ए सेमी का कोड है, ए सेमी के हिसाब से ये लोग क्या कहते हैं कि 0.3 टाइम्स ऑफ सिग्मा
YT और 0.18 टाइम्स ऑफ सिग्मा UT, इनमें जो भी छोटा नंबर आता है दैट इज योर अलाउेबल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो इसमें से मेरे को जो सबसे छोटा आता है वो आता है 211.5। अब इसके ऊपर से मैंने शाफ्ट का डायमीटर निकाल लिया, शाफ्ट का डायमीटर मेरे को आ गया 20.03 mm। ठीक है, तो शाफ्ट डायमीटर मेरा फिक्स हो गया कि 20.03 mm का बनाना है। जब शाफ्ट फिक्स फिक्स हो गया तो मैं बनाऊंगा बेरिंग। अब बेरिंग के लिए क्या करेंगे, मेरे को लोड पता है, दो बेरिंग है तो डिवाइड बाय टू हो जाएगा, इसलिए लोड डिवाइड बाय टू हो गया। अब क्या है, ऐसे टाइप में ऐसे जो सिस्टम्स है इसमें हम लोग सिलेंड्रिकल बेरिंग्स या तो नीडल बेरिंग्स यूज करते हैं। नीडल बेरिंग क्योंकि बहुत छोटा होता है और बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं ये वाले बेरिंग्स। ठीक है, तो अभी लाइफ इन आवर्स कर लेंगे, इसको एज्यूम कर लेंगे कि जो आवर्स जितना चलना है ये कितना है, 3 शिफ्ट चलना है, एक शिफ्ट 8 घंटे का होता है, तो 3 × 8 कर देंगे, और 300 वर्किंग डेज तो होते ही हैं हर साल में, तो इतना आपका वर्किंग आवर्स आ गया फॉर द ईयर। इसके बाद में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशंस। ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद में हम एज्यूम करेंगे कि 90% सर्वाइवल रेट, तो इसमें हम क्या करेंगे, L10 इज इक्वल टू LMR लाइफ इन मिलियन रेवोल्यूशंस इंटू, ये क्या हो जाएगा, 622.08 मिलियन रेवोल्यूशंस। अब यहाँ से हम लोग इक्विवेलेंट लोड पे आ जाएंगे। इक्विवेलेंट लोड क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सब आपको पहले जो मशीन डिजाइन 2 हो रहा होगा उसमें हो गया होगा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसीजर है और कुछ चेंज नहीं है इसमें। तो ये आपको इक्विवेलेंट लोड मिल गया। इसके बाद आते हैं डायनामिक लोड कैपेसिटी के ऊपर। तो डायनामिक लोड कैपेसिटी आपको इतना आ गया, L10 ये K का वैल्यू सेट दिया हुआ होता है, तो C मिल गया मेरे को। अब ये C के ऊपर से मैं बेरिंग को चूज करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है कि जो शाफ्ट का जो डायमीटर है ना वो डायमीटर, और जो बेरिंग का जो डायमीटर है वो। ठीक है, अब कंस्टेंट क्या है कि जो डिडेंडम डायमीटर है गियर का दैट शुड बी ग्रेटर देन द शाफ्ट डायमीटर जहाँ पे बेरिंग बैठने वाले हैं। तो क्या होगा ना कि जो डायमीटर है आपका शाफ्ट का जहाँ पे बेरिंग बैठ रहा है, अगर वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू गियर का डिडेंडम डायमीटर, तो वीक स्पॉट बन जाएगा आपका गियर। हमको वीक स्पॉट क्या बनाना है, शाफ्ट, सो दैट अगर कुछ होता है तो शाफ्ट टूटे, गियर टूटे नहीं। ठीक है, तो इसलिए एक ये कंडीशन है कि जो शाफ्ट का डायमीटर है एट द बेरिंग शुड बी लेस देन द डायमीटर ऑफ डिडेंडम ऑफ सर्कल। तो उसके ऊपर से ये आता है नीडल बेरिंग, मिल सकता है यहाँ से, ये दो आ रहे हैं सिलेंड्रिकल बेरिंग, ये दो आ रहे हैं, ये चूज कर सकता हूँ, नहीं, मैं ये चूज कर सकता, तो मैंने ये वाला बेरिंग चूज किया है, सिलेक्टिंग अ नीडल बेरिंग, ये नंबर वाला, रेडियल कॉम्पैक्टनेस, रिजिडिटी इज हाई, और डबल रो वाला। तो इसके हिसाब से जो शाफ्ट डायमीटर है ये 32 mm का आएगा, और मैं आप एक स्टेपिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जब बेरिंग, जहां बेरिंग बैठेगा वहां पे एक स्टेपिंग होगा। ठीक है, और शाफ्ट का जो डायमीटर होगा ये हो जाएगा 36 mm। समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डिजाइन ऑफ केसिंग की तरफ। इसमें क्या करना है, केसिंग से पहले ये जो है हम गियर कंस्ट्रक्शन है कि आपको जो गियर है वो कैसा बनाना है। अब अगर आपका डिडेंडम डायमीटर माइनस आपका जो शाफ्ट डायमीटर है डिवाइड बाय 2 कर देंगे, अगर ये ग्रेटर देन 4 आता है, 4 mm आता है, तो इसको सॉलिड टाइप बना दो। अगर ये कम आता है तो इंटीग्रल टाइप बना दो। ठीक है, हमारा तो कम आ रहा है इसलिए हम दोनों जो गियर बना रहे हैं वो इंटीग्रल टाइप बना रहे हैं। अब आते हैं डिजाइन ऑफ केसिंग की तरफ। इसमें क्या है, मटेरियल जो है केसिंग का ये हम यूज करेंगे GCI ग्रे कास्ट आयर। PAG 1.4 पे जाओ, यहाँ पे आपको सिग्मा UT मिल जाएगा, ये आ गया 235 न्यूटन पर mm स्क्वायर। FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है मैं ये 6 एज्यूम कर रहा हूँ। ये कहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ, ये VM फेयर्स करके बुक है, वहाँ से मैं एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, अब सिग्मा टी अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है सिग्मा UT अपॉन FOS हो जाएगा, ये मेरे को अलाउेबल मिल गया। अब देखो केसिंग इज अ प्रेशर वेसल। ठीक है, जो केसिंग है उसमें क्या है, आप फ्लूइड का जो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हो गियर्स के बीच में, वो जो पूरा ऑयल है उसको जो पकड़ के रखा हुआ है, जो होल्ड किया हुआ है, वो है आपका केसिंग। तो केसिंग इज एक्टिंग लाइक अ प्रेशर वेसल। ठीक है,
ये जो प्रेशर वेसल है ये थिक सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लैमिज इक्वेशन यूज कर रहे हैं, टी सी थिकनेस ऑफ केसिंग, ठीक है। थिकनेस ऑफ सिलेंडर बोलते हैं अपन, यहाँ पे केसिंग बोल रहे हैं, केसिंग बोल रहा हूँ मैं। आर ए ब्रैकेट डाल दिया मैंने यहाँ पे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। आर ए क्या है आपका, रेडियस ऑफ एडेंडम, एडेंडम डायमीटर हमने निकाला हुआ था ना, तो वो ये रेडियस ऑफ एडेंडम है वाला। और ये जो सिग्मा टी है मेरे को पता है, पी मैक्स मैक्सिमम प्रेशर कितना है वो मेरे को पता है। पी मैक्स क्या है मेरा, पी मैक्स है 1.5 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे अपन ने निकाला हुआ था ना, कहाँ गया, बहुत बहुत पहले अपन ने निकाला हुआ था यहाँ पे, कि जो प्रेशर है पी मैक्स जो है ये वाला होगा 1.5 टाइम्स ऑफ प्री ऑपरेशनल। ये चीज़ों को आपको याद रखना जरूरी है कि जो पी मैक्स है वो क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये फॉर्मूले के हिसाब से जो थिकनेस आ रहा है ये आ रहा है 3.67। मगर 3.67 का मैं कास्टिंग नहीं बना सकता, केसिंग नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि कास्टिंग जब करेंगे तो कास्टिंग का लिमिट है 8 mm का, ठीक है। तो इसलिए जो केसिंग केसिंग होगा उसका थिकनेस होगा 8 mm, मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड है कास्टिंग करने के लिए। 8 mm से कम कर दूंगा थिकनेस तो क्या होगा, जब मटेरियल मटेरियल है ना जब कास्ट करूंगा तो वो फ्लो नहीं हो पाएगा उतना, ठीक है। सो 8 mm इज द केसिंग थिकनेस। तो अब यहाँ पे मैंने केसिंग डिजाइन कर दिया, केसिंग हो गया, शाफ्ट हो गया, गियर हो गया, बेरिंग्स हो गए। बेरिंग्स बोले हैं तो डिजाइन करो, नहीं बोला है तो मत करो, ठीक है। अब डिजाइन ऑफ बोल्ट पे आते हैं। अब क्या है, जो केसिंग है ना, केसिंग के ऊपर हमने एक ढक्कन लगाया हुआ होगा, हम उसको बोल्टिंग करेंगे। तो अब ये जो बोल्ट है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा लोड है, सो दैट्स दैट इज वाई ये जो बोल्ट का डिजाइन है बहुत क्रिटिकल है। अब इसमें क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम बोल्ट यूज इज ऑफ साइज M10, M10 का बोल्ट मैंने अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ बोल्ट्स, अब मैं क्या करता हूँ, मैं बोल रहा हूँ M10 का बोल्ट्स है, तो मैं नंबर ऑफ बोल्ट्स चूज कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। अब मेरे को ये ढूंढना है कि कितना नंबर ऑफ बोल्ट्स मेरे को लगेगा। सो हेंस अब यहाँ पे जो एक और चीज है, जो टीसी है ना, ये टीसी जो केसिंग का जो थिकनेस है ये बोल्ट्स के हिसाब से ये कितना होना चाहिए। M10 का बोल्ट डाल दिया, यहाँ पे मेरे को क्लियरेंस देना पड़ेगा थोड़ा सा, ये है 0.5 टाइम्स ऑफ बोल्ट, ये है 0.5 टाइम्स ऑफ बोल्ट। ये जो है ये भी मैंने एक रेफरेंस बुक से लिया है कि 0.5 देना पड़ता है, ठीक है। ये जो VM फायर्स है इसमें दिया हुआ है, क्योंकि तो इससे कम रखूंगा तो यहाँ पे मेरे को क्रैक मिल जाएगा, क्रैक हो जाएगा ये। तो इसलिए जो क्रिटिकल थिकनेस है या जो थिकनेस ऑफ केसिंग है ये कितना आना चाहिए, DB ये वाला इंटू ये वाला, सिंपल है ना, बोल्ट का डायमीटर प्लस 0.5 इंटू DB इंटू 2, ठीक है। तो TC आता है 20 mm, कास्टिंग के हिसाब से 8 mm था, बोल्ट के हिसाब से 20 mm आ गया, तो केसिंग का जो फाइनल थिकनेस कितना होना चाहिए, 20 mm, समझ रहे हो, ठीक है। अब स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पे जाते हैं कि अगर 20 mm का रखा तो क्या ये विस्टैंड कर पाएगा या नहीं। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया में क्या आता है, एफ मैक्स स्ट्रेस्ड एरिया, ठीक है। सिग्मा टी का फॉर्मूला है, तो मैंने क्या किया है, ये वाला जो बोल्ट चूज किया है, बोल्ट बोल्ट की बात चल रही है, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया जो बोल्ट है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, सिग्मा टी क्या होगा बोल्ट का, ये जो बोल्ट है ये C45 मटेरियल मटेरियल का बना हुआ है, इसका FOS ले लिया, ये एक आ गया मेरे को। जो स्ट्रेस एरिया है ये है मेरे को 58 mm का, ये आपको PSG में मिलता है, ठीक है। PSG में जो बोल्ट का जो सेक्शन है उसमें आपको मिल जाएगा स्ट्रेस एरिया कितना है। अब इसके ऊपर से एफ मैक्स है, अब एफ मैक्स जो है, एफ मैक्स क्या है, इनिशियल लोड प्लस KB अपॉन KB प्लस KC इंटू एक्सटर्नल लोड दैट इज ऑयल प्रेशर, ठीक है। ये फॉर्मूला को थोड़ा सा आगे लेते हैं, इनिशियल लोड क्या होगा, केसी केसी के भी ये आ गया। अब इसके ऊपर से एफ टेस्ट ले लिया मैंने, ठीक है। अब एफ आई क्या हो गया, 3/4 KB हो गया। एफ टेस्ट क्या हो गया, क्योंकि केसी क्या है, 3 times of KB है। एफ टेस्ट क्या हो गया, एफ टेस्ट क्या है, प्रेशर टेस्ट प्रेशर इंटू गैस्केट एरिया, समझ रहे हो, गैस्केट एरिया अपॉन NB नंबर ऑफ बोल्ट। गैस्केट एरिया क्या होगा, ये वाला ए इंटू टी सी इंटू 2 अपॉन प्लस 2 इंटू पाई
आर पी प्लस पी सी, ठीक है ये आ गया, सॉरी आर पी, आर पी है, आर पी क्या है आपका, आर ए प्लस हाफ ऑफ टी सी, ठीक है। तो इसके ऊपर से मेरे को ये टेस्ट मिल गया, मेरे को एफ आई मिल गया। जब मेरे को एफ आई मिल गया और ये एफ टेस्ट भी मिल गया, तो एफ मैक्स जो है वो मेरे को मिल जाएगा, सही है, ऐसा फॉर्मूला है ये वाला, समझ रहे हो। एफ ई क्या है, ड्यू टू ऑयल प्रेशर, ठीक है। एफ मैक्स निकल लिया मैंने, एफ मैक्स मेरे को ये आ गया। अब एफ मैक्स को मैं डाल दूंगा ये वाले फॉर्मूले में, मेन फॉर्मूला जो था अपना ये वाला फॉर्मूले में, सब नोन है मेरे को वैल्यूज, तो मेरे को क्या मिल गया, नंबर ऑफ बोल्ट्स मिल गया। नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने आ रहे हैं, 4.42, दैट इज नथिंग बट 5 बोल्ट मेरे को लगाने हैं, समझ रहे हो। अब ये जो 5 बोल्ट लगाने हैं, इसमें अभी एक आता है स्पेसिंग का क्राइटेरिया, जो बोल्ट है अगर मैंने एकदम बाजू बाजू में लगा दिए बोल्ट्स, तो क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी की क्रैक्स फॉर्म हो सकते हैं ड्रिलिंग के टाइम पे, ठीक है। तो इसलिए स्पेसिंग का क्राइटेरिया है, फॉर लीक प्रूफ जॉइंट द पिच डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट शुड बी इक्वल टू 3 to 5 times ऑफ डी बी, बोल्ट डायमीटर, बोल्ट डायमीटर 10 है तो 3 to 50 के बीच में होना चाहिए। इन आर केस द पिच डिस्टेंस इज इक्वल टू द पिच लाइन लेंथ अपॉन एन बी, क्योंकि क्या है, मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा जो केसिंग है पूरा का पूरा दबा हुआ हो। अगर मान लो मैंने यहाँ पे बोर्ड लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाया, और यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया, यहाँ से लीकेज का चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इन आर केस द पिच डिस्टेंस इज इक्वल टू पिच लाइन लेंथ अपॉन नंबर ऑफ बोल्ट। पिच लाइन का लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 into a, समझ रहे हो, into 2 into π into rp, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ए क्या है, सेंटर डिस्टेंस है वो दोनों गियर्स के बीच वाला, तो पिच डिस्टेंस मेरे को मिल गया। सो बियॉन्ड द रिकमेंडेशन रेंज, सो देयरफॉर लेट्स मॉडिफाई, ठीक है। क्यों, क्या हो गया, रिकमेंडेशन से ज़्यादा हो गया ना ये लेंथ, ये कितना गया, 71.26 आ गया, रिकमेंडेड कितना है, 30 to 50 के बीच में रखना, नहीं तो क्या होगा, लीक प्रूफ नहीं बन पाएगा जॉइंट। तो इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा बड़ा करके इसको नंबर ऑफ बोल्ट्स मैंने बढ़ा दिया और हो गए 9 बोल्ट्स। जो उसने बोला है ना बोल्ट डिजाइन, बोल्ट डिजाइन में आपको यही करना है, बोल्ट कितने चाहिए और बोल्ट का M10 का चाहिए, M9 का चाहिए, M6 का बोल्ट चाहिए, ठीक है। तो ये बोल्ट का डिजाइन हो गया। आगे बढ़ते हैं, डिजाइन ऑफ सक्शन एंड डिलीवरी पाइप। सो एज पर विटलर्स मैनुअल ऑन गियर पंप, ये अगर आप प्रेफर करते हो तो वो क्या कहता है, सक्शन का जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है एट द सक्शन एंड ऑफ द फ्लूइड, ये 1.2 मीटर पर सेकेंड ही होना चाहिए और डिलीवरी में 4 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो देर इज अ चांस कि बाउंड्री लेयर सप्रेशन होना चालू हो, ठीक है, या उसका जो पोरिंग पोरिंग टेम्परेचर या और जो टेम्परेचर होता है फ्लैश पॉइंट, वो सब थोड़ा सा हो सकता है, इसलिए ये रेकमेंड किया हुआ है। हमको डिस्चार्ज पता है, हमको वीसी पता है, एरिया हमको निकालना है, डी एस डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर वो निकाल सकते हैं, सॉरी ये सक्शन पाइप का डायमीटर है, ठीक है। सेम चीज़ हम डिस्चार्ज के लिए भी कर सकते हैं और हमको वैल्यू आ जाएगा। अब देखो हमेशा जो पाइप्स है ये 1.28 इंच का पाइप तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए स्टैंडर्ड पाइप चूज कर लेंगे, 1.5 इंच वाला, ठीक है। तो ऐसे आपका डिज़ाइन ख़त्म हो गया। अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ लाइक करो, कुछ डाउट्स है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं हमेशा कमेंट्स को रिप्लाई करूँगा। ओके, थैंक यू।